हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. स्मूथ मसल्स आर ऑप्शन ए इनवॉलेंट्री सिलिंड्रिकल स्टेटेड, ऑप्शन बी वॉलेंट्री स्पिंडल शेप्ड यूनिन्यूक्लिएट, एंड ऑप्शन सी इनवॉलेंट्री फ्यूसीफॉर्म नॉन स्टेटेड, एंड ऑप्शन डी वॉलेंट्री मल्टी न्यूक्लिएट एंड सिलेंड्रिकल. सो फर्स्टली सी अबाउट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्मूथ मसल्स. तो अगर हम यहाँ पे बात करें स्मूथ मसल्स की, तो इसको हम समझते हैं स्ट्रक्चर से. तो देखो, जो स्मूथ मसल्स होती है दैट इज फॉर्म्ड बाय द स्पिंडल. ठीक है, स्पिंडल शेप्ड है क्योंकि स्पिंडल शेप जो सेल्स होती है वही बनाती है. इनके टैपरिंग एंड्स है, ठीक है, और ये क्या है, न्यूक्लियस. इस तरीके से स्पिंडल शेप में सेल्स प्रेजेंट होती हैं. दीज आर द सेल्स ऑफ स्मूथ मसल. ठीक है, और इसमें हम देखते हैं कि ये इनवॉलेंट्री होती है फंक्शन में, बिकॉज देयर एक्टिविटी इज नॉट अंडर अवर कंट्रोल. इसलिए वो क्या है, इनवॉलेंट्री है. अनस्टेटेड मसल्स होती हैं, और कैसी होती हैं ये, ठीक है, स्पिंडल शेप है, स्पिंडल शेप्ड, एंड दिस स्पिंडल शेप्ड इज ऑल्सो नोन एज द फ्यूसीफॉर्म शेप, राइट. और ये क्या होती है, इनवॉलेंट्री. नाउ सी, और इनमें हम देख पा रहे हैं देर इज ओनली वन न्यूक्लियस, सो इट इज यूनि न्यूक्लिएट, यूनि न्यूक्लिएटेड. नाउ सी द स्टेटमेंट. तो देखो, वॉलेंट्री नहीं आएगा तो बी और डी इनकरेक्ट हो गया. ये इनवॉलेंट्री है, ये सिलेंड्रिकल शेप में नहीं है, इट इज इन फ्यूसीफॉर्म शेप या स्पिंडल शेप, और ये नॉन स्टेटेड या अनस्टेटेड मसल्स होती है. ठीक है, नॉन स्टेटेड बोल दो. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो करेक्ट है दैट इज ओनली ऑप्शन सी. सो हियर द फाइनली करेक्ट आंसर इज ओनली ऑप्शन सी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.